आज देश के 27 विधानसभा के अध्यक्ष और एक विधान परिषद के अध्यक्ष 28 पीठासीन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सार्थक चर्चा हुई और किस तरीके से पीठासीन अधिकारियों ने सरकार के साथ संपर्क करके कोरोना संक्रमण वायरस को रोकने में संपूर्ण विधायिका कार्यपालिका के साथ है। सभी विधानसभा अध्यक्षों के अनुभवों को साझा किया गया, उनके राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को, अनुभवों को आपस में साझा किया गया और एक विधायिका रोड मैप बनाया है जिसमें सभी विधानसभाएं अपने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी और माननीय विधायकों को उनकी विधानसभा के क्षेत्र की, अन्य राज्यों की कोई विधानसभा की समस्याएं होंगी तो सभी राज्य विधानसभाएं आपस में अपने अपने राज्यों और क्षेत्रों की समस्याओं को निपटान करने के लिए आपसी तालमेल रखेगी ताकि संपूर्ण देश के अंदर जो समस्याएं आए उसमें विधायकों के माध्यम से भी उनकी समस्याओं के समाधान का एक रोड मैप तैयार हो सके। संसद में भी एक नियंत्रण कक्ष बनेगा जो सभी विधानसभा के नियंत्रण कक्ष से लगातार संपर्क स्थापित करेगा ताकि सभी मिलकर इस देश के अंदर कोरोना संक्रमण वायरस को रोकने के लिए सकारात्मक सहयोग सरकार को दे सके। इस मौके पर मैं देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनके नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें, वहां के मुख्यमंत्री सार्थक रूप से इस संक्रमण वायरस को रोकने में प्रयास कर रहे हैं जिसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। मुझे आशा है संपूर्ण देश की जनता इस कोरोना संक्रमण वायरस को रोकने में राज्य की सरकारों और देश की सरकारों की गाइडलाइन का पालन करते हुए, एक सामाजिक दूरी बनाते हुए हम इस कोरोना संक्रमण वायरस को रोकने में कामयाब होंगे।